प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा, सहायक अध्यापक वाणिज्य राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 10वीं के वाणिज्य विषय के साथ उपस्थित हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वाणिज्य विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ अंतिम खातों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में इस विषय के अंतर्गत हम सभी ने दोहरा लेखा प्रणाली में जनरल एंट्री करना, लेजर में पोस्टिंग करना और तलपट बनाना सीखा था। आज हम लेखांकन के इन विभिन्न चरणों में सबसे अंतिम चरण अंतिम खातों या फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से सबसे प्रथम है कि अंतिम खाते क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं और प्रत्येक भाग का अर्थ, उद्देश्य, प्रारूप और उसमें कौन कौन सी मदें आती हैं, तथा साथ ही साथ उस पर आधारित एक उदाहरण को भी हम लोग देखेंगे। वीडियो क्लास के अंत में हम इसका सारांश पढ़ेंगे और इस पर आधारित एक गृह कार्य भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अंतिम खाते क्या हैं। बच्चों, जब भी आप एग्जाम देते हैं, परीक्षाएं आपकी हो जाती हैं, तो उस समय आपको बहुत उत्सुकता होती है यह जानने की कि आपके कितने प्रतिशत अंक आए या किसी निश्चित विषय में आप कितने अंकों के साथ पास हुए। और ठीक इसी तरह की ये जिज्ञासा एक व्यापारी को भी होती है। वर्ष के अंत में जब वह पूरी अपनी आर्थिक घटनाओं को देखता है तो वह कुछ प्रश्नों के जवाब चाहता है। वह प्रश्न है कि उसे व्यापार में कितना लाभ या कितनी हानि हुई। वह यह जानना चाहता है कि उसके व्यवसाय की आर्थिक दशा कैसी है और वह अपनी देनदारियों और लेनदारियों के बारे में जानना चाहता है। वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ खाते और कुछ विवरण बनाता है और इन्हीं खाते, इन्हीं विवरणों को अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। आइए हम इस फाइनल अकाउंट्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और उसके कौन कौन से भाग हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स या अंतिम खाते बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है। तो अंतिम खाते बनाने के लिए हमें सबसे अधिक जरूरत तलपट की होती है या तलपट की मदद से ही अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है आपका व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा भाग लाभ हानि खाता या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसको पीएल अकाउंट भी कहते हैं, और तीसरा और अंतिम है आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें सबसे पहला है आपका व्यापार खाता। व्यापार खाते से आशय ऐसे खाते से है जिसमें व्यापारी को माल के क्रय विक्रय के द्वारा सकल लाभ या हानि का ज्ञान होता है। व्यापारी को माल के क्रय विक्रय के द्वारा सकल लाभ या हानि का ज्ञान होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यापारी ने साल भर के दौरान जितने भी विक्रय किए और विक्रय किए गए माल की जो लागत है, इनके बीच का जो अंतर होता है वही सकल लाभ या सकल हानि होता है। और जब हम उसको खातों के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो वह व्यापार खाता कहलाता है। व्यापार खाते में केवल उन्हीं व्ययों को दिखाया जाता है जो क्रय किए गए माल को व्यापारिक स्थान तक लाने और उसके निर्माण में खर्च किए जाते हैं। अर्थात कि जो भी माल हमने क्रय किया है उस माल को हमारी फैक्ट्री, हमारे गोदाम तक लाने में, या यदि हम उसमें निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उसके निर्माण में जो भी व्यय हम खर्च कर रहे हैं उन्हीं को हम व्यापार खाते के अंतर्गत दिखाते हैं और इन व्ययों को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। व्यापार खाते को बनाते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह एक खाता है और डेबिट पक्ष की सभी मदों से पहले इसमें 2 लगाया जाता है और क्रेडिट पक्ष की सभी मदों से पहले 2 का प्रयोग किया जाता है। इसके शीर्षक में फॉर द ईयर एंडिंग वाक्य का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि को बनाया जा रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March और जो भी सन होगा ऐसे, या 31st December, इस तरह से वर्ष के अंतिम तिथि को यह बनाया जाता है। इस खाते में तिथि और JF का स्तंभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है।
जबकि अन्य जो खाते हम लेजर में बनाते हैं वहाँ पे अलग अलग तिथियों में काम होता रहता है, तो उसमें वह डेट का कॉलम होना जरूरी है। जबकि जो जनरल फोलियो नंबर है इसकी इस खाते में कोई आवश्यकता नहीं होती, यह सीधे तलपट से बनाया जाता है। व्यापारिक खाते का जो शेष होता है वह सकल लाभ या सकल हानि कहलाता है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि साल भर का जो विक्रय है और उस बेचे गए जो माल की जो लागत है उसका जो अंतर होता है वही सकल लाभ या सकल हानि के रूप में हमें प्राप्त होता है। आइए अब हम व्यापार खाते के उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि व्यापारिक खाते का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि एक निश्चित अवधि में सकल लाभ या हानि ज्ञात करना, जो कि हमको परिभाषा से भी स्पष्ट हो जाता है। इसका दूसरा एक उद्देश्य यह है कि यह सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करता है। किस पर? बिक्री पर। यह बिक्री पर, इससे हमें बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात हो सकता है। तीसरा इसमें उद्देश्य है कि क्रय विक्रय की गत वर्षों से तुलना, अर्थात व्यापारी व्यापार खाते को बना करके यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि पिछले साल उसने कितना क्रय किया था और इस वर्ष उसने कितना क्रय किया है, पिछले वर्ष उसका विक्रय क्या था और इस वर्ष उसका विक्रय क्या है। साथ ही साथ वह अंतिम रहती है कि पिछले वर्ष से तुलना भी कर सकता है, अर्थात कितना माल ऐसा है जो बिकने से बच गया है या बिका नहीं है हमारे गोदामों में, इस वर्ष की समाप्ति पर रह गया है, और पिछले वर्ष कितना ऐसा माल था जो बिकने से बचा रह गया था, उसकी तुलना करके वह अपनी स्थिति को सुधार सकता है। साथ ही साथ बेचे गए माल की लागत को ज्ञात करने में भी यह व्यापार खाता मदद करता है। आइए अब हम इस व्यापार खाते के प्रारूप को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि व्यापार खाते से संबंधित सवालों को या उसमें उससे संबंधित मदों को हम कैसे लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले ऊपर शीर्षक हो गया आपका, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग जिस तिथि को भी यह बनाया जा रहा होगा। इसमें चार कॉलम है आपके, जिसमें पर्टिकुलर विवरण, धनराशि विवरण, धनराशि, ये दोनों कॉलम आपके डेबिट पक्ष के हैं और उधर के दोनों कॉलम क्रेडिट पक्ष के हैं। इसमें सबसे पहले हम टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, अर्थात प्रारंभिक रहतिया, वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक रहतिया हमारा कितना था। इसकी दूसरी जो मद होती है वह परचेज होती है, अर्थात क्रय, और इसमें से हम परचेज रिटर्न, क्रय वापसी को घटा देते हैं। इसके बारे में हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उन सभी को हम लाभ हानि खाते में प्रदर्शित करते हैं। और क्रेडिट की तरफ बाय सेल्स से दिखाया जाता है, सबसे पहले सेल्स को दिखाएंगे, विक्रय को प्रदर्शित करेंगे और उसमें से भी यदि कोई विक्रय वापसी हुई है तो उसको भी हम घटा करके प्रदर्शित करते हैं। और उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा अंतिम रहतिया होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब क्रेडिट पक्ष, क्रेडिट साइड में की सभी मदों को जोड़ लेते हैं, डेबिट साइड की सभी मदों को जोड़ लेते हैं। यदि क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से अधिक है तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होता है, सकल लाभ प्राप्त होता है। यदि डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से अधिक है तो हमको ग्रॉस लॉस या सकल हानि मिलती है। और दोनों ही स्थितियों में यह लाभ हानि खाता पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो हमने सीखा कि जो व्यापार खाता होता है, व्यापार खाते में हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रदर्शित करते हैं और इसका जो शेष होता है वह ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है और इसको हम पीएल अकाउंट अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आइए अब हम लोग व्यापारिक खाते की मदों के बारे में अध्ययन करते हैं कि व्यापारिक खाते की जो मदें हैं जिनको अभी हमने प्रारूप में देखा है उसमें कौन सी मदें हैं और उनके क्या मतलब है। तो डेबिट पक्ष की जो प्रमुख मदें हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया था प्रारंभिक रहतिया, या वर्ष के प्रारंभ में जो माल हमारे पास है वह प्रारंभिक रहतिया या ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, यह तलपट में दिखाया गया रहता है। दूसरी जो मद मैंने बताई आपको शुद्ध क्रय या परचेज होता है, इसमें शुद्ध क्रय इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसा भी माल होता है जिसको हम खरीद तो लेते हैं
परंतु उसमें कुछ कमियों के नाते उसको वापस कर दिया जाता है, जिसको क्रय वापसी कहते हैं। तो शुद्ध क्रय ज्ञात करने के लिए क्रय से क्रय वापसी को घटा देते हैं और इस तरह से हमको शुद्ध क्रय ज्ञात होता है और इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तीसरी इसमें जो मद होती है वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, और इन प्रत्यक्ष व्यय को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे व्यय जो माल को गोदाम तक या व्यापारिक स्थान तक लाने में या उसके निर्माण में जो खर्च किए जाते हैं वही प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। जैसे आपकी मजदूरी हो गई, आंतरिक ढुलाई भाड़ा हो गया, इसके अलावा आयात कर हो गए, फैक्ट्री का रेंट हो गया, वह सभी जो खर्चे माल को व्यापारिक स्थान तक लाने के लिए हम करते हैं वह प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके क्रेडिट साइड में, व्यापार खाते की क्रेडिट साइड में दो प्रमुख मदें होती हैं। पहला है आपका शुद्ध विक्रय। शुद्ध विक्रय का मतलब कि विक्रय से विक्रय वापसी घटा दी गई। विक्रय वापसी क्या है? कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसे हमने बेच तो दिया परंतु उसमें कुछ कमियों के नाते वो वापस आ गए, ठीक। तो शुद्ध क्रय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विक्रय से विक्रय वापसी को घटा देते हैं, हमको नेट सेल्स पता चल जाता है और इसको वहां पे प्रदर्शित करते हैं। इसमें अंतिम रहतिया एक मद होती है जो कि सामान्यतः तलपट के बाहर लिखी होती है, और यह अंतिम रहतिया ऐसा माल होता है जो वर्ष के अंत में बिकने से बचा रह जाता है। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न देखें और व्यापार खाते को समझने का प्रयास करें। संजय की बहियों से प्राप्त निम्न शेषों को व्यापार खाते में स्थानांतरित कर 31 मार्च 2020 को व्यापार खाता बनाइए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी मद किस साइड में जाएगी। प्रारंभिक रहतिया डेबिट साइड में आपके होगा, सबसे पहले दिखाया जाएगा। कुल क्रय डेबिट साइड में होगा जो प्रारंभिक रहतिया के बाद दिखाया जाएगा। कुल विक्रय ये क्रेडिट साइड में हो गया आपके। क्रय वापसी कुल क्रय से घटा करके दिखाई जाएगी। विक्रय वापसी कुल विक्रय से घटा करके दिखाई जाएगी। मजदूरी, निर्माण व्यय, कोयला व गैस, यह तीनों आपके प्रत्यक्ष कर हैं जो डेबिट साइड में प्रदर्शित किए जाएंगे और अंतिम रहतिया क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और ठीक ऐसा ही यहां पर किया भी गया है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिस तिथि को यह बनाया जा रहा है 31 मार्च 2020, डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 5,000 रुपए से प्रदर्शित कर दिया गया। परचेस जो है 25,000 रुपए है और उसमें से परचेस रिटर्न के 1,500 रुपए घटा करके 23,500 दिखाया गया। वेजेस जो है 500 रुपए से प्रदर्शित की गई। साथ ही साथ आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,500 से दिखाई गई। कोयला और गैस जो है 500 से दिखाई गई। और इसी तरह क्रेडिट पक्ष में हमारे जो है विक्रय 30,000 रुपए और विक्रय वापसी 3,000 रुपए घटाकर कुल 27,000 रुपए दिखाई गई। और अंतिम रहतिया जो कि 8,000 रुपए था तो इसे 8,000 दिखाया गया। अब हमने क्रेडिट साइड के सभी मदों को जोड़ा, हमें 35,000 प्राप्त हुआ, और जब हम डेबिट साइड के इन सभी मदों को जोड़ते हैं तो हमें 31,000 रुपए प्राप्त होते हैं। और हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड के मदों का जो योग है वह अधिक है डेबिट साइड की मदों से, अर्थात इधर हमारा 4,000 शेष बचेगा जो कि ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आइए अब हम लोग लाभ हानि खातों के बारे में जानते हैं। हम सभी ने सीखा कि व्यापार खाते से का जो शेष होता है वह सकल लाभ या सकल हानि होता है, परंतु कोई भी व्यापारी यह चाहता है कि उसे शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पता चले। और सकल लाभ या सकल हानि में कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो वस्तु के निर्माण कार्य से या वस्तु को गोदाम तक लाने से संबंधित न होकर के उसके बाद की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, और इन व्ययों को घटाने के बाद और कुछ अन्य आयों को जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वह शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है। इसको समझते हैं कि व्यापारिक खाता बनाने से सकल लाभ या हानि का तो पता चल जाता है, परंतु प्रत्येक व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना हो, इसे ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो वही है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना। दूसरा, पिछले वर्ष के लाभ से तुलना करना। व्यापारी यह जानना चाहता है
कि पिछले साल उसे कितना लाभ हुआ था और इस साल उसने कितना लाभ कमाया और दोनों के बीच में उसने कितनी प्रगति की या उसके व्यापार में कितने का ह्रास हुआ। वह यह भी जानना चाहता है कि उसके कुल कितने व्यय हैं ताकि वह उन पर नियंत्रण कर सके। लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा व्यापारिक खाते की तरह इसमें भी टू और बाई का प्रयोग करते हैं। व्यापार खाते में जैसे हम टू और बाई का प्रयोग कर रहे थे, टू डेबिट की तरफ, डेबिट साइड की तरफ, और बाई का प्रयोग क्रेडिट साइड की तरफ कर रहे हैं, ठीक इसी तरह इसमें भी हम टू और बाई का प्रयोग करेंगे। और इस खाते का जो शेष होता है वह शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है। अब हम इस लाभ हानि खाते का प्रारूप देख लेते हैं और इसको समझते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे ऊपर और उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग जिस तिथि को भी होगा, जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे 31 मार्च 2019 लिख दिया है, और इधर डेबिट साइड में दो कॉलम पर्टिकुलर और अमाउंट विवरण और धनराशि के, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट विवरण और धनराशि के कॉलम होते हैं। डेबिट साइड में यदि व्यापार खाते में ग्रॉस लॉस हुआ है तो यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे व्यय हैं जिनको अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं वह प्रदर्शित किए जाएंगे। या कार्यालय से संबंधित व्यय हो सकते हैं, प्रशासन से संबंधित व्यय हो सकते हैं, वितरण से संबंधित व्यय हो सकते हैं, या कुछ अन्य व्यय होते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे वेतन है, किराया है, कमीशन है, विज्ञापन व्यय है, किसी को छूट दी गई है, ब्याज दिया गया है, डाक व्यय किया गया है, छपाई और स्टेशनरी के ऊपर कुछ खर्च किया गया है, डिप्रिसिएशन लगाया गया है। अब हम इसके क्रेडिट साइड को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो मद होगी ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ यदि हुई है तो। इसके अलावा यह सभी अन्य आय हैं, यह सभी अन्य आय हैं। हमने डिविडेंड प्राप्त किया है, लाभांश प्राप्त किया है, ब्याज प्राप्त किया है, हमको डिस्काउंट मिला है, छूट मिली हुई है, या हमने किसी भी तरह का कमीशन कमाया है, तो यह हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अब क्रेडिट साइड का योग और डेबिट साइड का जो योग होता है, यदि क्रेडिट साइड का योग अर्थात आय का योग अधिक है व्ययों के योग से तो हमको शुद्ध लाभ मिलेगा, और यदि व्ययों का योग आय के योग से अधिक है तो हमको शुद्ध हानि प्राप्त होगी। और दोनों ही स्थितियों में या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में हम भेजते हैं, और यह पूंजी खाता आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। आइए इसकी प्रमुख मदों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। डेबिट पक्ष की जो प्रमुख मदें हैं उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था सकल हानि या ग्रॉस लॉस, जो कि व्यापारिक खाते से हस्तांतरित होकर के आती है। दूसरा है आपका कार्यालय और प्रशासन संबंधी व्यय, जिसमें वेतन, कार्यालय किराया, डाक व्यय, छपाई का व्यय, कानूनी कोई व्यय है, वह सभी चीजें आती है और इसको डेबिट साइड में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा वितरण संबंधी जो व्यय है अर्थात माल को बेचने के लिए यदि हमने कोई विज्ञापन बनवाया है उस पर खर्च किया है, कहीं कमीशन दे रहे हैं, बिक्री के लिए जो गाड़ी का भाड़ा है, पैकिंग का जो व्यय है, वह सभी व्यय वितरण से संबंधित व्यय होते हैं और इसको हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य व्यय होते हैं जैसे ऋण पर ब्याज है, पूंजी के ऊपर यदि ब्याज लगाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की मरम्मत की जा रही है, यदि डिप्रिसिएशन मशीनों पर लगाया जा रहा है, और यदि कहीं हम दान कर रहे हैं, तो वह जो अन्य व्यय हैं वह भी हमको लाभ हानि खाते में दिखाने होते हैं, क्योंकि इससे हमारे व्यापार की आय में कमी आती है। अब हम जान लेते हैं कि लाभ हानि खाते की क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें होती हैं। सबसे पहली मद इसमें होती है आपका सकल लाभ, जो व्यापार खाते से हस्तांतरित होकर के आई होती है, और दूसरी जो मद है वह है अन्य आय, जिसे आपका विनियोगों से प्राप्त आय, अर्थात हमने कोई अपना अपने व्यापार से कुछ पैसा कहीं और लगा रखा है और उससे हमको कुछ आमदनी हो रही है, शेयर में या अन्य जगहों पे लगा रखे हैं, हमने किराया प्राप्त किया,
हमने कोई छूट प्राप्त की या किसी भी तरह का कमीशन या ब्याज प्राप्त किया, यह सभी आय हमको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखानी होती हैं। अब इस पर आधारित हम एक प्रश्न देख लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित से राम का लाभ हानि खाता बनाइए। यहां पर विवरण धनराशि दी गई है राम के पुस्तकों की, जिसमें से सकल लाभ 20,000 रुपए है। तो सबसे पहले तो यह हमको मालूम है कि यह लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। इसके अलावा वेतन और किराया दिया, वेतन 12,000 रुपए और किराया हमने 1,000 रुपया दिया, तो यह दोनों हमारे क्या हैं, व्यय हैं। इसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। हम इसको देखते भी चलते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, चूंकि यहाँ पे तिथि नहीं दी गई है इसलिए इसको ऐसे खाली छोड़ दिया गया है। डेबिट साइड में हमने सैलरी और रेंट दोनों 12,000 और 1,000 से प्रदर्शित किया। ब्याज हमको मिला हुआ है, यह हमारी आय है। छूट मिला, यह भी हमारी आय है। तो इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 रुपए से और 1,000 रुपए से, और ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट जो सकल लाभ था 20,000 रुपए से, तो हमने इसको प्रदर्शित किया है। इसके अलावा हमने दान दिया है जो कि व्यापार के लिए खर्च है, व्यय है। बिक्री के ऊपर खर्च किया गया 800 रुपए, यात्रा के ऊपर 400 रुपए खर्च किए गए, निर्यात किया गया 300 रुपए का। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे निर्यात कर लिखा हुआ है। दो तरह के कर, एक आयात कर और एक निर्यात कर। आयात कर का अर्थ मतलब ये हो गया कि हम वस्तु को मंगा रहे हैं, माल को अपने व्यापार में लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर हमने आयात कर दिया तो वह हमारे व्यापार खाते में जाएगा। परंतु निर्यात कर हम माल को बेचने के लिए दे रहे हैं, इसलिए वह हमारे लाभ हानि खाते में आता है। तो इन चारों पांचों व्ययों को हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। डोनेशन 500 से, सेलिंग एक्सपेंसेस 800, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 400, एक्सपोर्ट ड्यूटी 300 रुपए और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आपके 600 रुपए हो गए। तो इस तरह से क्रेडिट पक्ष की सभी मदों का योग 22,100 रुपए हो रहा है और डेबिट पक्ष की कुल मदों का जो योग है वह इससे कम है और इसका जो शेष बच रहा है वो 6,500 रुपए है, जिसको शुद्ध लाभ या शुद्ध लाभ के तौर पे यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और इसको हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो शुद्ध लाभ होता है वह हमारी पूंजी को बढ़ाता है, इसलिए उसको पूंजी खाते में भेज देते हैं। अब हम आर्थिक चिट्ठे के बारे में जानते हैं। आर्थिक चिट्ठा यह एक तरह का विवरण है जो एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व पक्ष और दूसरा संपत्ति पक्ष। इसके दोनों पक्षों यानी संपत्ति और दायित्वों का जो जोड़ होता है वह बराबर होता है। यदि यह बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमने आर्थिक चिट्ठा को बनाने में कहीं ना कहीं कोई गलती की है। चूंकि यह एक तरह का विवरण होता है, इसलिए इसमें टू या बाई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह एक स्टेटमेंट है, एक सीट है। आर्थिक चिट्ठा बनाने के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य हमारी आर्थिक स्थिति ज्ञात होना या आर्थिक स्थिति को प्रकट करना। इसका दूसरा उद्देश्य है दायित्वों की प्रकृति और उनके मूल्यों का ज्ञान होना। आर्थिक चिट्ठा हमारे दायित्वों की क्या प्रकृति है, वह लंबे काल के दायित्व हैं या छोटी अवधि के दायित्व हैं, इसका पता लगाने और उनके कितने मूल्य हैं आर्थिक चिट्ठा मदद करता है। साथ ही साथ आर्थिक चिट्ठे से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि व्यापार में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है और उस पूंजी में इस वर्ष कितने की बढ़ोतरी या कमी हुई। यह इसके आधार पर हम नए वर्ष के पहले दिन की प्रारंभिक प्रविष्टियां भी करते हैं। वर्ष के अंत के बाद जब नया वर्ष शुरू होता है तो उसकी प्रारंभिक प्रविष्टियों को करने में यह आर्थिक चिट्ठा हमारी मदद करता है। साथ ही साथ चिट्ठे की तिथि को अदत्त और पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित और अनुपार्जित आय का भी ज्ञान प्राप्त होता है। यह क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में समायोजनाओं वाले पाठ में इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप देख लीजिए।
जिसमें सबसे ऊपर हेडिंग आपकी आर्थिक चिट्ठा होती है और उसमें समाप्त होने वाले वर्ष के बारे में बताया। इधर दायित्व पक्ष होता है, उधर संपत्तियां होती हैं। दायित्व पक्ष में सबसे पहली जो मद होती है वह आपकी पूंजी होती है, और यह जो पूंजी है उसमें मैंने आपको बताया था कि शुद्ध लाभ जोड़ देते हैं, साथ ही साथ यदि पूंजी पर ब्याज मिला हुआ है तो यह भी जोड़ दिया जाएगा। यह जोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि इससे हमारी पूंजी बढ़ रही है, जो शुद्ध लाभ है वो हमारी पूंजी को बढ़ा रहा है, पूंजी पर ब्याज हमारी पूंजी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा यदि शुद्ध हानि है तो उसको हम घटा देंगे। यदि हमने व्यापार से कोई चीज बाहर निकाली है, कुछ धन ले रखा है, तो वह हमारा आहरण कहलाता है, इसको भी घटा देते हैं। और आहरण पर यदि ब्याज लगाया गया है तो यह भी घटा कर दिखाता है, क्योंकि यह मदें हमारी पूंजी को कम कर देती हैं। इसके अलावा अन्य जो दायित्व हैं, जैसे किसी भी तरह का संचय किया गया हो, अदत्त व्ययों को दिखाते हैं, अनुपार्जित आय इनको भी दिखाया जाता है, कुछ ऋण हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, विविध लेनदारों को प्रदर्शित किया जाता है, देय विपत्र, बैंक अधिकर्ष इन सभी को प्रदर्शित करते हैं। संपत्ति पक्ष में हम प्रमुख संपत्तियों को दिखाते हैं, जैसे हमारी ख्याति है, भूमि भवन है, मोटर गाड़ियाँ, जो व्यापार के प्लांट और मशीनरी हैं, कुछ लंबे समय के लिए जो हमने विनियोग कर रखे हैं वह हैं, पेटेंट हैं, फर्नीचर हैं, अंतिम रहतिया इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा जो हमारे देनदार हैं अर्थात जो हमको पैसा देंगे, प्राप्य विपत्र, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, और जो हमारे पास कैश होता है चाहे वो बैंक में हो या फिर हमारे हाथ में हो, उसको भी प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से संपत्ति और दायित्व पक्षों का जो योग होता है वह बराबर होता है। आइए इस पर आधारित एक उदाहरण देख लें जिसमें बैलेंस शीट बनाई गई है। जैसे नीरज इंटरप्राइजेस की जो पुस्तकें हैं 31 मार्च 2019 को, उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और उसके आधार पे यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई गई है। पहले प्रश्न देखते हैं, भूमि और भवन संपत्ति, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, ऑफिस इक्विपमेंट संपत्तियाँ हैं, प्राप्य विपत्र यह भी हमारी संपत्ति है, ऐसे चीज़ें जो हमको प्राप्त हुई हैं, ऐसे बिल जो हमको प्राप्त हुए हैं जिनका भुगतान अभी होना बाकी है, कैश इन हैंड और बैंक यह भी हमारी संपत्तियां हैं, विविध देनदार ऐसे लोग जो हमको अभी पैसा देंगे, मतलब हमने सामान बेच दिया है उन्होंने अभी भुगतान नहीं किया, तो यह सभी चीजें हमारी संपत्तियों का हिस्सा हैं और इसको हम संपत्ति के पक्ष में दिखाएंगे। भूमि भवन फर्नीचर कार्यालय उपकरण प्राप्य विपत्र विविध देनदार बैंक में रोकड़ और ये ड्रॉविंग जो है आहरण, मैंने आपको पीछे प्रारूप में बताया कि वह पूंजी से घटा करके दिखाया जाता है। यहाँ पे आपकी पूंजी 150,000 रुपये प्रदर्शित है, वह दायित्व पक्ष में सबसे ऊपर दिखाई जाएगी, पूंजी 150,000 सबसे ऊपर दायित्व पक्ष में दिखाई गई है और आहरण को इससे घटा करके दिखाया गया है। लेकिन उससे पहले शुद्ध लाभ जोड़ा गया है, यहाँ पे शुद्ध लाभ आपका सबसे नीचे शुद्ध लाभ 40,000 रुपये प्रदर्शित है, ठीक, और विविध लेनदार आपके 40,000, देय विपत्र 5,000 रुपये और बैंक ऋण 35,000 रुपये, यह तीनों मदें आपके दायित्व पक्ष की मदें हैं जिनको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। पूंजी में से हमने शुद्ध पूंजी में हमने शुद्ध लाभ जोड़ दिया, आहरण को घटा दिया, हमें इस वर्ष की पूंजी पता चल गई, इसके अलावा अन्य जो मदें हैं वो दिखा दी। इस तरह से संपत्ति पक्ष का और दायित्व पक्ष का जो योग है वो 2,65,000 रुपये दोनों तरफ आ रहा है और बराबर है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो आर्थिक चिट्ठा होता है उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास के अंत में हम जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि अंतिम जो खाते होते हैं उसके प्रमुख तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है आपका व्यापार खाता। व्यापार खाते में यह प्रमुख मदें डेबिट और क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती हैं और इसका जो शेष होता है वह सकल लाभ या सकल हानि कहलाता है। इसका जो दूसरा भाग है आपका लाभ हानि खाता, जिसमें यह प्रमुख मदें दिखाई जाती हैं और इसका जो शेष हमें प्राप्त होता है वह शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहलाता है। और अंत में जो एक तीसरा हमारा भाग होता है आर्थिक चिट्ठा, जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, इसके दो भाग होते हैं, दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष, और इनका जो योग होता है वह हमें बराबर प्राप्त होता है।
अब हम गृह कार्य भी देख लेते हैं, आप इसको देख लीजिए। और यह एक पूरा प्रश्न है जिसमें आपको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाना है और इसे आप हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।